बेटे पर पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग के कुमरशा गांव की घटना है। मृतक का नाम याराली मौला है। घटना के आसपास के इलाके में काफी तनाव फैल गया है। पुलिस का दावा है कि घटना शुक्रवार सुबह की है। लहूलुहान हालत में जब याराली के कैनिंग महकमा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में याराली के छोटे बच्चे अजीजुल मौला उर्फ साहिब पर आरोप लग रहा है। घटना के बाद आरोपी फरार है। याराली की पत्नी रिजिया बीबी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से सबूत के तौर पर कई चीज़ें बरामद की। पुलिस की शुरुआती धारणा ये थी कि पिता पुत्र के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। याराली को संपत्ति बेटे के नाम लिखने के लिए मजबूर किया जाता था। माना जा रहा है कि उसकी बात नहीं मानने पर उसके धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के एक रिश्तेदार ने बताया कि पिता पुत्र के बीच संपत्ति के कागजात को लेकर अक्सर अनबन की स्थिति बनी रहती थी। छोटा बेटा अक्सर अपने पिता को जान से मारने की धमकी देता था। इस घटना में आरोपी नाबालिग लड़के की मां हर तरह से आरोपी नाबालिग लड़के की मदद कर रही थी। छोटे बेटे ने कल बिना जमीन लिखने पर अपने पिता की हत्या कर दी। उसके मुंह में रस्सी बांध दी गई और बेरहमी से काट डाला गया। हम आरोपियों के लिए अनुकरणीय सजा चाहते हैं। छोटा चले था माल फाल खेये और बाबा के धोरे চাপড় দিয়ে কুড়ুল দিয়ে ওকে খুন করেছে ওর বাবা এখানেই মরে গেছিল তারপর হসপিটালে নিয়ে গেছে হাতে ভাই ধরে ফেলেছে মূলত কি কারণে এই ঝামেলা ছেলেদের মারে ছেলেরা কি বাবাকে মারতে পারে এইভাবে খুন করতে পারে মা কি এই ঘটনার সাথে অভিযুক্ত কি নাম এ নাম কি যে মারা গেছে যিনি যে মারা গেছে ওর নাম ইয়ারালি মোল্লা কি করেন উনি উনি কিছু করেন না ও খাসি বাসা ছিল মানে কি দিয়ে কুপালো ও চাপড় দিয়ে চাপড় দিয়ে ভাই ক্যানিং কুমাশা পাড়া আমার শ্বশুর খুব ভালো মানুষ আমার স্বামী আর আমি রাতে আমরা ঘুমাচ্ছি আমার দেওর রাতে নেশা ভান করে এসে আমার শ্বশুরকে হাত পা আমার শাশুড়ি আর আমার দেওর মিলে ওরা হাত পা ধরে পুরো হাত পা মুচড়ে ভেঙে দিয়ে মাথায় কি চাপড় না কি বলে চাপড় দিয়ে পুরো কোপ মেরেছে আমাদেরকে প্রথমে মারবে বলে ওখানে এ করছে পাড়া প্রতিবেশী সবাই সাক্ষী দেবে সবার ঘরে গিয়ে রাতে দরজা টরজা ধাক্কা দিয়েছে ওকে খুঁজে পাইনি তারপর আমার স্বামীকে মারতে গেছে আমার স্বামী আমরা লুকিয়ে গেছি ব্যুরো রিপোর্ট পিভিটিভি নিউজ नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।